जितने भी बिहार के संविदा कर्मचारी हैं, लगातार आप लोग इन दिनों देख रहे होंगे कि किस प्रकार से न्यायालय से लेकर के और केंद्र से लेकर के और राज्य तक किस प्रकार से आप तमाम वर्ग को, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, उन सभी को नियमित के साथ साथ आप लोगों के नियमावली में संशोधन करके तमाम तरह की सुविधाएँ आप लोगों को धरातल स्तर पर प्रोवाइड की जाए, इसको लेकर के लगातार जो है बातचीत चल रही है और लगातार बातचीत होती हुई है, जिसको लेकर एक बार फिर से कह सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट संज्ञान में ले लिया है इस बात को। और आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि आप लोगों को जो तमाम तरह की सुविधाएं अभी नहीं दी जा रही है, चाहे आप लोग के वेतनमान की बात हो, चाहे आप लोगों को किसी भी प्रकार से आप लोग को उस तरह के मौलिक अधिकार के प्रावधान में नहीं लाया जा रहा है जो एक संविदा के कैटेगरी के लोगों को मिलना चाहिए। नाम के लिए संविदा कहा जाता है, काम करवाने में कहीं से भी कोई दिक्कतें नहीं करवाया जाता है, काम तो एक दिन भी बंद नहीं किया जाता है, काम तो वैसे ही करते हैं जैसे सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाली थी कि समान काम के लिए समान वेतन होना ही चाहिए, जिसको लेकर के यहां पे स्पष्टीकरण अनुच्छेद के हिसाब से बताया गया है। देखिए, खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खबर को समझना भी आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को लेकर के जिस प्रकार से जानकारी आ रही है, आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के मौलिक अधिकार को लेकर के बात कही गई है, तो आप लोग को यह जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए खबर में हम आगे बढ़ते हैं और तमाम जानकारी जो सीधे विभागीय स्तर से आ रही है उसके बारे में आपको बताने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग को लेकर के बड़ी जानकारी आ रही है। तो सबसे पहले मैं तमाम जानकारी के साथ ही आप लोग को बता देना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों की तरह काम लेना लेकिन समान वेतन न देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 39 राज्य की नीति के निदेशक के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस स्थिति में संविदा कर्मचारी न्यायालय में आप लोग के संगठनों ने जब याचिका को पिटीशन जब फाइल की, तो वहां से जो आप लोग को लेकर के जानकारी आ रही है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर जिस प्रकार से आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, इसी को मानते हुए सभी राज्यों को उन्होंने नोटिस भी जारी किया था, केंद्र सरकार पे भी प्रेशर बनाया था कि महिला कर्मचारी जो आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं उन सभी को लेकर के भी नया जो है प्रावधान लाई जाए, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने इस बात पर हामी भी भरी और उन्होंने 26 तारीख को ऐलान भी कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बात यह आती है कि कब तक लागू की जाएगी, तो लागू करना ये सरकार के हाथ में है, किसी भी न्यूज़ चैनल के हाथ में तो है नहीं जो वहाँ पर जा करके और उस चीज़ को लागू कर देगा। तो यहां पे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी समझिए कि सरकार ने इस बात को प्रस्तावित कर दिया है, अनुशंसित कर दिया है, तो आज हो कल हो लेकिन होगा, यह जरूर होगा, क्योंकि आप लोगों को लेकर के जो कमेटी ने भी जो अपने तरफ से जो संसद में भी बिल पारित की थी तमाम राज्यों के संविदा कर्मचारियों के हितों में, जब उन्होंने पारित किया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि तय तिथि में जो संविदा कर्मचारियों को दी जा रही है वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भी अपने हितों से इस बात को मान लिया था कि कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों को आज के समय में सही से कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए लगातार धरना प्रदर्शन जैसी बातचीत होती है। साथ ही जो काम का जो कह सकते हैं प्रेशर है, काम का प्रेशर तो झेलते हैं, लेकिन काम का प्रेशर झेलने में तभी मजा आता है जब सैलरी स्टैंडर्ड हो, तमाम जो सुविधाएं हैं वो स्टैंडर्ड हो, ऐसा नहीं मन में हो कि वो सरकारी कर्मचारी हैं और वो भी वही काम कर रहे हैं, समान काम कर रहे हैं तो उनको मिल रहा है कुछ और चीज़, हमको मिल रहा है कुछ और। तो जब तक ये मेंटलिटी रहेगी तब तक तो काम करने में मन नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव को स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या कहते हैं हिदायत दे दी, उनको नोटिस जारी किया। जैसे ही वो उनको नोटिस जारी किए, वैसे ही आपको पता होगा कि जैसे ही उन आप लोग के हितों में और नियमितीकरण से जुड़ी हुई बात भी उसमें लिखी गई थी, जैसा कि मैंने आपको खबरों के माध्यम से दिखाने का काम किया था, और उसी ज्ञापांक संख्या के तहत जो है जब जीएडी के प्रधान सचिव को जब वो सौंपा गया तो प्रधान सचिव ने स्पष्ट रूप से जिले यानी कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों को उन्होंने पत्र इसीलिए जारी किया था ताकि सुनिश्चित कर सके कि संविदा कर्मचारी किन किन जिलों में कितने जो है अरसों से काम कर रहे हैं और कितने दिनों से काम करने के साथ साथ आप लोग की बैकग्राउंड क्या है। तो ये तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी और जो आपके विभाग के प्रधान सचिव होंगे उन्हीं को पता होगा। तो इसको लेकर के जब आकलन किया गया तो स्पष्ट रूप से जो वहां पे भेजा गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो उसमें बहुत सारे जिलों का नहीं गया,
जैसा कि मैंने आपको खबरों के माध्यम से बताने का काम किया, और इसी को लेकर के है जब पूरी जब ब्यौरा कहीं ना कहीं जो जब भेजी गई जीएडी को, तो जीएडी में जब इसका डिटर्मिनेशन प्रक्रिया शुरू हुआ, तब क्या होता है कि लगातार तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी हैं जो काम कर रहे थे, उन सभी का तबादला जो है बिहार सरकार बड़े अरसों से करना शुरू कर दी, जो काम को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाने का काम किया। क्योंकि संविदा कर्मचारियों को हम कहते हैं कि चुनाव से पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले ही आप लोग को तमाम तरह की सुविधाएँ मिल जाती, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। उसका सबसे बड़ा वजह यही है कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के जो भी यहां से फाइल जा रही है, जो भी फाइलों पर डिटर्मिनेशन चलती है, जो भी अधिकारी करते हैं, जो भी स्वेच्छा से करते हैं, एकदम ईमानदारी से करते हैं, वो अधिकारियों का कहीं ना कहीं तबादला कर दिया जाता है। ये कोइंसिडेंस कह सकते हैं। सरकार का ऐसा मंशा नहीं होगा कि हम संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा नहीं देना चाहते हैं इसलिए हम अधिकारियों का तबादला कर देते हैं, ये बात नहीं है। सरकार का सीधे मंशा है कि हम संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं देंगे, और ना सिर्फ आप लोग को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी, आप लोगों को तमाम तरह की जो है कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार भी दी जाएगी। हमारे साथ जो है और हमारे पास जो है कुछ ऐसे सवाल हैं संविदा कर्मचारियों से जुड़ी हुई, जो हमने विभागों के अधिकारियों से पूछताछ की, और विभागों के अधिकारी ने कहा है कि आप अपने सवाल को तैयार रखिए और हम जो है तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के लिए जो भी होगा हम अपने विभागीय स्तर से आपको जानकारी देने का काम करेंगे, जो कि बिल्कुल गुप्त जानकारी होगी। मेरी आइडेंटिटी को आप हाईलाइट मत कीजिएगा। तो मैंने कहा कि मैं आइडेंटिटी को हाईलाइट नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपकी मजबूरी को हम समझ सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी को हम हाईलाइट करेंगे तो हो सकता है कल की डेट में आप लोग आपके नौकरी पे भी खतरा आ सकती है, क्योंकि विभागीय स्तर से जो गुप्त जानकारी होती है वो किसी को देना जो है वो तब तक सही नहीं होता है जब तक कि प्रेस रिलीजिंग नहीं हो जाए, प्रेस ब्रीफिंग नहीं हो जाए। इसलिए तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी इस बात को समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के हिसाब से कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। सबसे बड़ा सवाल तमाम एक एक संविदा कर्मचारियों के मन में ये बात उठ रहा होगा, और ना सिर्फ संविदा कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, अवर्गीकृत कर्मियों के साथ साथ छोटे छोटे महिला कर्मचारी जो आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, इसके बाद आपको बता दें कि MDM की रसोईया, मतलब बहुत सारे ऐसे कैटेगराइज करके संवर्गों में शामिल किया गया है। जिसके बाद मैंने आपको बताया कि पहले कुल 44 विभागों की बात हो रही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से कुल 45 विभागों की बात जो है सरकार करने को लेकर के तैयार हो गई है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तरफ से जो पत्र रिलीजिंग की गई उसके तहत जो की गई है, तो तमाम जो जानकारी विभागीय स्तर से संलग्नता रखती हुई है। तो आपको बता दें कि जो पहला सवाल था वो क्या संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, आप लोग के मन में उठ रहा होगा। दूसरा जो सवाल है वो संविदा कर्मी में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से विभाग आते हैं, कुल 45 विभागों के संविदा कर्मचारियों में कि कौन कौन जो है संविदा कर्मचारियों के कैटेगरी आते हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों का विभागों तो बहुत बड़े लेवल पर है, तो इस बात को जानना भी आप लोग के लिए उत्सुकता होगी। साथ ही संविदा कर्मचारियों की स्थिति क्या है, मतलब आज के डेट में आप लोग की स्थिति की जो अपडेट है, यानी कि आप लोग के फाइलों की अपडेट क्या है, इसके बारे में भी जानकारी लेना तो बहुत जरूरी था कि भाई अभी तक काम कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में आप हमको जानकारी देने का काम कीजिए। साथ ही आपको बता दें कि 2024 में संविदा कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे कब तक लागू किया जाएगा, इसको लेकर के भी हमने उनसे सवाल पूछने का काम किया है। मतलब मेरे पास जो है सवाल है अभी स्थानांतरित की गई है, इसको हम जल्द से जल्द जो है उनसे पूछने का काम करेंगे और लाइव आप लोग को जानकारी देने का काम करेंगे। साथ ही संविदा कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो क्या है, कब तक लागू की जाएगी, क्या फैसला है, तमाम जो जानकारी है यहाँ पे जो है सीधे आपको मैंने बताया कि अनुच्छेद जो है 14 और अनुच्छेद 39 के तहत संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाए, इसको लेकर के लगातार जो है कमेटी भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब देखना यही होगा कि कब तक मुख्यमंत्री महोदय इस पर संज्ञान लेते हैं और कब तक इसे कैबिनेट में प्रस्तावित का आदेश देते हैं।